डूबती भगवान भास्कर को श्रद्धालुओं ने दिया प्रथम अर्घ्य। सभी छठ घाटों पर सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। छठ पर्व पर शाम होते ही नदियों, पोखरों, तालाबों और घरों में बने छोटे तालाब पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। व्रती महिलाएं घुटने भर पानी में खड़ा होकर डूबते भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य दी। रात भर शहर और गाँव में छठ मैया के गीत गूंजते रहे। सुबह से ही महिलाओं ने छठ पूजा के विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए। इसे एक बड़े पात्र में रखा। सुबह से ही निर्जला रहकर स्नान आदि और श्रृंगार कर महिलाएं परिवार के लोगों के साथ छठ घाटों पर पहुंची। दीप प्रज्वलन कर छठ मैया की पूजा की गई। उसके बाद एक दीप गंगा मैया और एक दीप भगवान भास्कर को अर्पित किए गए। इसके बाद छठ पूजा के सूप डाले को छठ व्रतियों ने गंगा घाटों पर सजाया। पूरे नियम निष्ठा के साथ लोगों ने छठ डाला को घाट तक पहुंचाया, जहां लोगों ने भगवान भास्कर के डूबते स्वरूप के समय अर्घ दिया। इसके बाद व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ घर लौट आई। सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत पूरा हो जाएगा। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, नगर निगम भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, पूर्व मेयर वीना यादव, वार्ड पार्षद संजय सिन्हा सहित सभी छठ व्रतियों से मिले और अर्घ दिया। आइए आपको दिखाते हैं भागलपुर के विभिन्न घाटों की झलक। पहली बार नहीं आया, हर वर्ष आते हैं। ये आप कह के मैं हर वर्ष बूढ़ानाथ मंदिर आता हूँ, अर्घ भी देता हूँ, आरती भी देता हूँ गंगा को, और सभी लोग को छठ व्रती जो भाई बहन यहाँ आए हुए हैं सबको शुभकामना बधाई भी देते हैं। और पहली बार ये देखिए बना हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत से। पानी अभी थोड़ा दूर है, उसको नज़दीक लाने की व्यवस्था होगी, और हम चाहेंगे कि भागलपुर शहर में सभी सीढ़ी घाट बने बढ़िया से, ताकि किसी भी छठ व्रती के माता बहनों को कोई दिक्कत ना। हम तो अर्घ दे दिए,
आज छठ का पहला अर्घ था और मैं छठी मैया से प्रार्थना करती हूँ कि मैया हमारी गंगा माँ जो दूर चली गई है वो अब आ जाए हमारे भागलपुर शहर की तरफ, और इसका संकेत भी मुझे मिल गया है। मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। छठी मैया आप सबों का पूरा मनोकामना पूरा करें, जितनी भी आपके मन में है जो है आपका सब मनोकामना पूरी करें। हाँ, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सामाजिक संस्था अंग का ये जो क्लब है उसने भी अच्छा इंतज़ाम किया, नगर निगम ने अच्छा इंतज़ाम किया, स्मार्ट सिटी वाले ने भी अच्छा इंतज़ाम किया, और आपके सामने ये दृश्य है। लोग हुजूम का दर हुजूम है, और इस छठ पर्व को जो बहुत आस्था का त्यौहार है बड़े अच्छे ढंग से मनाया जा रहा, और ये भागलपुर का एक शान है जो हम लोग मिलजुल करके इस त्यौहार को मना रहे हैं, और यही आगे। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करीब अंग सेवा समिति को 36 वर्ष हो चुका है, ये 37वां वर्ष है। अंग सेवा समिति हमेशा से कार्य करते आ रही है, और नगर निगम दोनों मिल के ये रिवर फ्रंट मतलब ये पुल नहीं बल्कि सीढ़ी, पहले जब हम लोग आते थे तो ये धंसा हुआ था, और अभी जो है एक लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इसमें बहुत अच्छा से सीढ़ी बन गया है। लेकिन गंगा माँ शायद रूठी हुई है, ये गंगा माँ को कैसे हम लोग यहाँ तक लाएं, इसलिए स्मार्ट सिटी का बहुत ज़ोर से है कि हम लोग गंगा माँ को इधर से लाएं। सेवा समिति के प्रयास से जो घाट बड़ा दुर्लभ था आज पूजा योग बना है। अंग सेवा समिति के सभी सदस्यों को 21 नंबर वार्ड पार्षद होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबोध कुमार शाश्वत प्रपति की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को काली पूजा एवं छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आवे पधारे और सुख समृद्धि आप लोग को दे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ छठी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है, हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, अंग डेवलपर्स 0 माइल भागलपुर की ओर से आप तमाम देशवासियों को एवं शहरवासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ काली। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र की मानिक सरकार घाट के समीप देर रात 50 मीटर दूरी तक पीसीसी सड़क गंगा में समा गई। देखते देखते लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सड़क कटने से मानिक सरकार घाट से दीपनगर मोहल्ले के बीच आवागमन में कठिनाई हो रही है। कई छठ व्रती इसको लेकर परेशान है। हालांकि इस घटना में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। घटना से कुछ ही दूरी पर दोनों ओर छठ घाट बनाया गया है। अगर यह घटना छठ पूजा के दौरान अर्घ देने के दौरान होती तो शायद बड़ी घटना हो सकती थी और भारी मात्रा में जान माल की भी क्षति हो सकती थी। इस घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। लोग काफी डरे सहमे हैं। लोगों का कहना है कि घटनास्थल के पास मोहल्ले का नाला गिरता है। नमी कारण सड़क के नीचे की मिट्टी गीली हो गई थी जिससे यह घटना घटित हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घटना बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी। संयोग था कि लोगों का आवागमन नहीं था। तत्काल बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। हम लोग को सूचना मिली थी कि लगभग 100 फीट के करीब जो रोड का कुछ अंश है जो घाट किनारे है वो नीचे धंस गया है। तो अभी जो प्रथम दृष्टि लग रहा है कि वाटर सीपेज के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन हम लोग तब तक सावधानी के दृष्टिकोण से इस एरिया को जो मतलब जो एंट्री है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। बांस वाला से उसको बैरिकेड किया जा रहा है और पुलिस बल भी है यहाँ पे है ताकि लोग मतलब जो एक अनड्यू मूवमेंट है वो ना रहे। और बाकी कल हम लोग दिखवाएंगे कि जो अन्य भी जो अगल बगल का जो घाट है वो सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि छठ अभी कल से होना है। वैसे अभी देखने से लग रहा है कि उधर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल जब एक बार रोशनी रहेगी तो उसमें हम लोग उसका विशेष रूप से जांच करवाएंगे। छठ घाट को कोई प्रभावित नहीं है अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार सुबह में इसका विशेष रूप से हम लोग दिखवाने के बाद ही आगे इसको ओके करेंगे। सर एक बढ़िया अनहोनी होते होते टली बिल्कुल निश्चित रूप से मतलब ये एक अच्छी बात है कि अभी इस समय हुआ जब यहाँ पे कोई मूवमेंट वगैरह नहीं था। लेकिन चलिए अब मेन हम लोग का ये पर्पस है कि अब जो भी चीजें हैं इसको सुरक्षित रखा जाए और जो भी एंट्री है उसको हम लोग रेगुलेट करें। और आम लोगों से भी अनुरोध है कि कुछ एडवेंचर ना करें। होता है जैसे अभी आप लोग के सामने ही आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग फोटो वीडियो बनाने के लिए बहुत समीप चले जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो पुलिस बल उनको रोक रही है, लेकिन उन लोग से भी अनुरोध है कि इन सब चीजों से बचें। वहीं भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि मानिक सरकार घाट रोड काटकर तकरीबन 50 मीटर नदी में मिल गया है। छठ के बाद इस पर सुधार किया जाएगा जिससे लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। और यहां पर मानिक सरकार घाट के ही बगल में रात में कुछ दुर्घटना हुई है, वो रोड कट के नदी में मिल गया है। यह सुन करके ही मैं यहाँ पर आई तो हमने देखा यहाँ पे बैरिकेडिंग रात में ही कर दिया गया है, किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। और छठी मैया की यही कृपा है कि यह कुछ समय पहले पता चल गया और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं सुनाई दिया। तो इसके लिए जो अभी दुर्घटना हुई है उसमें अब छठ के बाद उस पर देखा जाएगा कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता। सुल्तानगंज के पूर्व सभापति दयावती देवी के पति रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव को अपराधियों द्वारा गोली मारकर घायल कर देने के मामले में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर शनिवार को शाम 4 बजे के लगभग सुल्तानगंज थाना अंतर्गत सीढ़ी घाट निवासी पूर्व सभापति दयावती देवी के पति कुख्यात रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव को अपराधियों द्वारा घर में घुसकर गोली मार दी गई जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना में जख्मी रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा के फर्द बयान के आधार पर वर्तमान नगर परिषद के उप सभापति के पति रामधनी यादव के पुत्र सनी यादव मनीष यादव अंकित यादव अमित यादव सकीम श्यामबाग थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर को नामजद किया गया था। रंजीत यादव उर्फ कंबुजा यादव एवं रामधनी यादव दोनों अपराधी पृष्ठभूमि के हैं एवं दोनों के बीच नगर परिषद एवं शहर में वर्चस्व को लेकर अदावत है। इसी क्रम में रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा ने अपने शूटर द्वारा रामधनी यादव पर 23 फरवरी 2023 को गोली चलवाई थी जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी भागलपुर आनंद कुमार के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया था। टीम को स्थल जांच से यह जानकारी मिली कि गोली मारने वाले अपराध कर्मी 3 की संख्या में थे एवं काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल से आए थे। वादी के फर्द बयान एवं स्थल जांच में आए तथ्य में अंतर होने पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया जिसमें शूटर के रूप में अखिलेश कुमार झा आदित्य कुमार दोनों शंकरपुर नवादा थाना मुफस्सिल जिला मुंगेर की पहचान हुई एवं लाइनर के रूप में गोलू कुमार साकिन सीढ़ी घाट की पहचान हुई। तीनों गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। तीसरे शूटर की भी पहचान कर ली गई है जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान मिले साक्ष्य एवं अभियुक्तों की स्वीकृति के बाद इस गोलीकांड के मुख्य सूत्रधार वर्तमान नगर परिषद के उपसभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव
एवं उनके पुत्र सनी यादव, मनीष यादव, अंकित यादव, अमित यादव हैं जो इस घटना को अंजाम दिलवाए हैं। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। वहीं छापेमारी में बरामद अपराध कर्मियों द्वारा घटना के समय उपयोग में लाया गया 4 मोबाइल, अपराध कर्मियों का पिट्ठू बैग माँ तारा होटल सुल्तानगंज से बरामद किया गया, जबकि घटना स्थल पर अभियुक्त का छूटा हुआ चप्पल भी मिला है। गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्य सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रंजन, सुल्तानगंज सर्किल इंस्पेक्टर रतन ठाकुर, SI अशोक कुमार, सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार, SI प्रमोद कुमार, महिला SI संगम कुमारी, अकबर नगर थाना अध्यक्ष प्रंजन, साकुंड थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, बाद थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार झा, SI मुरली शाह, SI मिथिलेश कुमार, ASI मिथिलेश कुमार, सिपाही बच्चन कुमार, अभिमन्यु कुमार, रजनीश कुमार, प्रकाश कुमार, कमलेश कुमार, सुनील कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी हैं। 4/11/23 को दिन शनिवार को तकरीबन 4 बजे सुल्तानगंज थाना अंतर्गत सीढ़ी घाट रोड के निवासी जो कि पूर्व सभापति के पति जो कि एक अपराधी पृष्ठभूमि के हैं रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव, कुछ अपराधकर्मियों ने अज्ञात अपराधकर्मियों ने घर में घुस के उन्हें गोली मार दी थी और उसके उपरांत वो जख्मी हो गए थे और जख्मी हालत में उन्होंने फर्द बयान दिया था और फर्द बयान में उन्होंने रामधनी यादव के पुत्र सन्नी, मनीष, अंकित और अमित को नामजद किया था और रामधनी यादव ये भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और ये अभी वर्तमान नगर परिषद के उपसभापति के पति हैं। तो इनकी जो रंजिश है ये शहर के वर्चस्व के लिए और नगर परिषद में वर्चस्व के लिए इन दोनों के बीच में अदावत है और इस वर्चस्व के कारण ही दिनांक 23/2/23 को कनबुच्चा यादव ने रामधनी यादव पर अपने शूटरों के द्वारा गोली चलवाया था और कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और इस स्पेशल टीम ने स्थलीय जांच किया और स्थलीय जांच में जो अनुसंधान के क्रम में फर्द बयान और स्थलीय जांच में भिन्नता आई और उसके उपरांत वैज्ञानिक अनुसंधान की शुरुआत हुई और वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार और अनुसंधान के क्रम में हमें 3 शूटर जो है उसको चिन्हित किया गया और 3 शूटर में 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया मुंगेर से, अखिलेश कुमार झा और आदित्य को मुंगेर से गिरफ्तार किया गया और ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र में इनका घर है और उसके साथ साथ एक जो शूटर है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो लाइनर था वो गोलू और वो भी घाट रोड में रहता है और उसने लाइनर की भूमिका निभाई। इन तीनों जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं शूटर और जो गोलू लाइनर गिरफ्तार हुआ है इनके स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार और वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार ये बात सामने आई है कि इसमें रामधनी यादव और उनके पुत्र सन्नी, मनीष, अंकित और अमित इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिलवाया था और छापेमारी में जो बरामद सामान मिला है इस टीम को, पहला अपराधकर्मियों द्वारा घटना के समय उपयोग में लाया गया 4 मोबाइल उसको जब्त किया गया है और अपराधियों के द्वारा पिट्ठू बैग जो कि माँ तारा होटल सुल्तानगंज उसमें बरामद किया गया है। जब ये यहाँ पे ये घटना कार्यक्रम में आए थे तो उसी होटल में ये रुके थे और घटनास्थल पर अभियुक्त का एक छूटा हुआ चप्पल भी बरामद किया गया है और इस टीम ने इस कांड का सफल उद्भेदन किया, शूटर को गिरफ्तार किया और मुख्य जो साजिशकर्ता है उसकी भी पहचान की और इस टीम में प्रियरंजन पुवनी सर थानाध्यक्ष सुल्तानगंज शामिल थे, पुवनी अशोक कुमार सिंह सुल्तानगंज थाना, पुवनी गौरव कुमार सुल्तानगंज थाना, परिश्वान पुवनी प्रमोद कुमार सुल्तानगंज थाना, परिश्वान पुवनी संगम कुमारी सुल्तानगंज थाना, प्रियरंजन पुवनी सर थानाध्यक्ष अकबर नगर, पंकज कुमार झा पुवनी सर थानाध्यक्ष शाकुंड, कन्हैया कुमार झा थानाध्यक्ष बात, मुरलीधर शाह पुवनी DIU टीम, मिथिलेश कुमार पुवनी DIU टीम, मिथिलेश कुमार पुवनी DIU टीम और इसमें सिपाही बच्चन कुमार, अभिमन्यु कुमार, अजनीश कुमार, प्रकाश कुमार जो कि DIU टीम में थे और उसके साथ साथ CIT के कमलेश कुमार और सुनील कुमार इस टीम में और इस छापेमारी में शामिल थे और जितने भी जो वांटेड अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। स्वीकार किया है कि रकम देके जी इसमें 2 लाख जो है पर आदमी जो शूटर्स थे उनको बोला गया था कि 2 लाख रुपये दिया जाएगा हर एक शूटर को और 60,000 रुपये जो है एडवांस जो है देने की बात आई है। ये लाइनर जो है या सूत्रधार जो है पूर्व वर्तमान उपसभापति के पति जी उनकी क्या भूमिका है इस कांड में? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि स्वीकारोक्ति बयान में और साक्ष्य जो आया है वैज्ञानिक साक्ष्य उसमें जो बातें ये सामने आई है ये अनुसंधान का विषय है और इसमें पर्याप्त साक्ष्य है।
यह राजनीतिक घटनाक्रम है या वर्चस्व को लेकर? जैसे कि मैंने बताया कि जो नगर परिषद है सुल्तानगंज का, उसके अंदर भी इन दोनों के बीच में पहले से विवाद था, और उसके साथ साथ अभी जैसे मैंने बताया आपको 23/2/23 इसमें कनबुच्चा यादव ने शूटर के द्वारा रामधनी यादव के ऊपर गोली चलवाया था। तो ये जो घटना है ये शुरू से इन लोगों के बीच में शहर में वर्चस्व बदले की भावना और वर्चस्व जो है ये शुरू से बहुत सालों से ये जो है वर्चस्व जो है शहर में स्थापित करना चाहते थे, उसी के एवज में जो यह घटना कारित की गई। माँ तारा होटल की क्या भूमिका है? देखिए, माँ तारा होटल में अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि उनके मालिक जो हैं और जो स्टाफ हैं और किस तरीके से वहाँ पे जाके रुके, और जिस तरीके से अगर कुछ साक्ष्य आएगा हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कितने दिन से यहाँ पे अपराधी छिपे हुए थे? देखिए, ये लोग जो हैं जो स्वीकारोक्ति बयान में आया है 30 तारीख को ये यहाँ पे आ गए थे, लेकिन 30 तारीख को ये अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, घटनाकारित करना चाह रहे थे, पर उस दिन जो है घटनाकारित नहीं कर सके, और उसके बाद इनको सही समय जब मिला तो उन्होंने घटनाकारित किया। 30 तारीख से 4 तारीख तक अभी यही था। हाँ, वो आना जाना उनका यहाँ पे था, लेकिन 30 तारीख को जो है वो घटनाकारित नहीं कर पाए, उनका मोटिव फुलफिल नहीं हो पाया, लेकिन 4 तारीख को जो है गोलू जो लाइनर है उसने इन लोगों को संदेश दिया और उन्होंने घटनाकारित किया। एक अन्य शूटर जो सर बाहर के हैं कि लोकल। भागलपुर के सबौड़ थाना क्षेत्र के फरका गांव में छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने मामा भांजे को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान फरका निवासी पंकज कुमार मंडल उर्फ बॉबी और अमन कुमार के रूप में हुई है। पंकज की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अमन गंभीर रूप से घायल है। दोनों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में चल रहा है। सबौड़ पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बाजार से सामान लेकर आने के दौरान आरोपियों ने दोनों मामा भांजे के साथ इस घटना को अंजाम दिया। आशंका जताई जा रही है कि नशे के लिए पैसे की उगाही के लिए अपराधियों ने ऐसा किया हो। उधर सबौर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। रोड पर से आ रहा था, पूजा का टाइम है अभी, पूजा का सामान लेके आ रहा था, पीठ पे सिलेंडर था लदा हुआ, कैसे दो लड़का मिल के गली में लड़क झपर किया, उसके हाथ में चाकू था, इसको मार दिया। कौन लड़का था? गांव का ही है। क्या नाम है? एक है छोटू है और एक है नीरज है। इसे क्यों मारा? दो लड़का, दो लड़का सामने, अंधेरा है ना, पूरा गली में अंधेरा है, तो क्यों चाकू मारा? अभी तो हमने बिहार के सीतामढ़ी में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि सभी की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। वहीं मृतक के परिजन इस संबंध में कुछ भी कहने से फिलहाल बचते दिख रहे हैं। जहां 5 मृतकों में से 2 सबका परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। भाजपा नेता और पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जमकर बिहार सरकार पर बरसे और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी पूर्ण रूपेण फेल है। बड़े लोग दुकान जाकर शराब की किया करते थे, अब होम डिलीवरी से घर तक शराब पहुंचाया जाता है। ये कैसी शराबबंदी है? बिहार में शराबबंदी का सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है। बिहार सरकार शराबबंदी पर पूर्ण रूपेण फेल है। जहरीली शराब से जितने लोगों की मौत हो रही है उसकी जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये अच्छी खबर नहीं आई है। बिहार में जिस तरह शराब माफिया शराब सरकार के संरक्षण में बेच रहे हैं, फिर सीतामढ़ी से आज हमारे पास जो सूचना है 5 से 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, और बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है। खुले तौर पर शराब बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है, और जहरीली और गंदी शराब बेची जा रही है, और इसका जो सब जिम्मेदारी है वो बिहार सरकार पर है। बिहार सरकार की शराब नीति, शराबबंदी नीति पूरी तरह फेल है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ स्कूल में कॉलेजेस में वो नशा हो रहा है, तरह तरह का नशा, और अब ये कॉलेज से स्कूल तक पहुँच गया। हम तो शराब के खिलाफ हैं, हर तरह के नशा के खिलाफ हैं, गांजा के भी खिलाफ हैं। गांजा पी के भी बहुत लोग गड़बड़ करता है। वो सब पर जितना भी नशा है सबको बंद करना चाहिए। बिहार में नशाबंदी हो और उसके साथ शराबबंदी हो, लेकिन जहरीली शराब और ब्लैक की शराब पूरी तरह बंद होनी चाहिए।
सरकार को जिम्मेदारी लेनी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई कॉलेज के शिक्षकों को कई महीने से वेतन नहीं मिल रहा, इसको लेकर सभी शिक्षक पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से मिले। वहीं शाहनवाज हुसैन ने सबों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों का काम जल्द होगा, आप लोगों को जल्द महामहिम राज्यपाल से मिलकर आपकी बातें कही जाएंगी, उम्मीद है आप लोगों की मांगे पूरी होंगी। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से सभी शिक्षक काफी परेशान दिखे। विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड यूनिट के शिक्षक हैं, हमारा एफिलिएटेड कॉलेज का संघ है। संघ आज माननीय पूर्व सांसद शाहनवाज भाई से अपनी व्यथा लेके मिले हैं कि मार्च महीना से 28 करोड़ 42 लाख रुपया तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अकाउंट में रखा हुआ है और ये 8 महीना बीत जाने के बाद भी हमारे कुलपति जवाहरलाल जी किस कारण से अनुदान रोके हैं ये नहीं मालूम। हम लोग ये आए कि ये इनकी मनमानी है, इन्होंने कमिटी बनाई, कमिटी का रिपोर्ट फेवरेबल आया, 15 दिन का हम लोगों ने धरना दिया। विश्व पटल पर भारत एक सशक्त परमाणु संपन्न देश के तौर पर मजबूती से खड़ा है, लेकिन इसकी नींव पड़ी थी देश की आयरन लेडी कहे जाने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने में। आज 19 नवंबर की तारीख है, आज के ही दिन 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। इसी को लेकर आज भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास कार्यालय पर उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबों ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं इस जन्म जयंती कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आज का दिन काफी गौरवान्वित करने वाला है, आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्य कभी भुलाए नहीं जा सकते, उन्हें हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके नेक विचार पर चलने की कसमें खाई है, देश की एकता और अखंडता के लिए उनकी कुर्बानी लोगों को सब दिन याद रहेगी। आज का दिन बहुत ही गौरवान्वित का दिन है कि हम लोग छठ पर्व आज अर्घ का दिन है और आज हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी उनकी 156वां जयंती भी आज है, तो सोचिए कितना हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनके किए हुए जो देश के लिए जो उन्होंने काम किया उसको हम लोग याद करते हैं और हम अपनी तरफ से पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे भागलपुर वासियों की तरफ से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि उन्होंने जो काम किया देश के लिए उस रास्ते पर चल के हम लोग देश को एक रखते हुए विकास के रास्ते पर ले चले। आज देश की जो है पहली प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के की जयंती है। हम तमाम लोग जो है उनकी जो उनका जो देश के लिए योगदान था उसको याद करने के लिए हम लोग तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। जहां तक अभी देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात होती है, हमें इस बात का गर्व है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके दो दो अध्यक्षों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हम तमाम लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।